नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में एक कार आग का गोला बन गई। रविवार की देर रात देखते ही देखते कार धूं धुकर जल उठी। कार मालिक ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आसपास अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जहां फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के सामने खुसरोपुर रोड पर गाँव नगला राय निवासी दिलशाद पुत्र छोटा अपनी मारुति इको को खड़ा करने सामान ले रहा था। अचानक से कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। धूं धुकर चल रही कार से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। आसपास के लोग दहशत में आ गए। कार सवार दिलशाद पुत्र छोटा भी अपनी जान बचाकर भागा। लोगों ने आग जलती देख उसको बुझाने के लिए प्रयास किया। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की सूचना दी गई। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक चरथावल थाना राकेश शर्मा का कहना है कि फायर ब्रिगेड आग के कारणों का पता लगा रही है। उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। और कोई इवेंट आई उसमें गैस भराने के लिए और वो एलपीजी सिलेंडर से लीक किया गया, तो उसमें वो लीकेज हो गया, उसमें आग लग गई है। और वहाँ पर बहुत लोग पहुंचे पानी बुलाने, पानी वाले लेकर आग बुझाने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आग बुझ नहीं पाई है। आपने फायर की सूचना की किसी को? और फायर को सूचना भी दी है, लेकिन कोई गाड़ी वाड़ी कोई पहुंची नहीं अब तक फिलहाल यहाँ पे। और सभी पुलिस स्टाफ भी पे है, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आई है। पूरी गाड़ी बिल्कुल आग हो गई। क्या क्या है दमकल विभाग की लापरवाही है? हाँ, दमकल की बहुत बड़ी लापरवाही है। कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। इस कार के आपकी चपेट में कुछ बिल्डिंग भी आने की शॉप थी, मुर्गा चिकन वगैरह की। वक्त हो चला है आप सभी लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।